इस वेले की यह खबर तस्वीरां बठिंडा के शहर रामपुरा फूल तो सामने आ रही ने। श्रोमणी अकाली दल वालों सर्कल प्रधान सतपाल गर्ग की अगुवाई दे विच कांग्रेस सरकार की 3.5 साल की माड़ी कारगुजारी नूं लैके धरना प्रदर्शन किया गया। भावें वो विकास का मुद्दा होवे, भावें जहरीली शराब का, घर घर नौकरी का, वधे हुए बिजली के बिलों का, नीले कार्ड कट्टण का, हर पासे सिर्फ कांग्रेस सरकार की आलोचना होंदी विखाई दिती। कई अकाली आगुआ ने तो इत्थों तक कह दिता कि कांग्रेस सरकार के राज दे विच विकास नहीं सिर्फ विनाश ही होया है, नशे का कारोबार दुगना हो गया है, ट्रांसपोर्ट माफिया जोरां ते है, सड़कां दी हालात खस्ता हो गई है, कोरोना काल दे दौरान नीले कार्ड कटन कारण लोकां नूं घरां दा खर्चा चलाउणा मुश्किल हो गया है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार होके रह गए ने, आदि गल्लां नूं लैके श्रोमणी अकाली दल कांग्रेस सरकार खिलाफ सड़कां ते उतर आया है। जिस तरह सारिआं नूं पता है 3.5 साल हो गए ने सरकार बणी नूं, रामपुरा पूल दे विच 0% भी विकास नहीं होया, 100% विनाश होया। सड़कों का बुरा हाल है, पानी का बुरा हाल है, जिथे भी देख लो कोई राशन मिलना कितों उत्थे बुरा हाल है, कणक किसी नूं चज दी मिल नहीं रही। जिहड़े बादल साहब ने, कैप्टन साहब ने गुप्ता साहब चक के दमदमा साहब तलवंडी साहब वाल हत्थ करके सहु खाधी सी कि 4 हफ्तों के विच मैं पंजाब दे विच नशा खत्म कर देंगा, वो पंजाब दे विच नशा दुगुना हो गया। इन्हां दे अपने मैंबर राज्यसभा वो कह रहे ने सरदार प्रताप सिंह बाजवा साहब कि 12 अप्रैल नूं कैप्टन साहब महलों चों बाहर निकले सी, उस तो बाद परसों 5 महीनों बाद बाहर निकले ने, वो भी असी राज्यपाल कोल गए हाँ, इन्हों का अस्तीफा मंगया ता ये कुंभ करन की नींद चो सुते हुए उठे ने ते ये बाहर निकले ने, वो भी इन्होंने हिम्मत नहीं की कि जिथे नशे दे नाल शराब दे नाल माड़ी शराब दे नाल मौत हुई ने उन्होंने घरें जाके तरन तारण गए ने। किस स्टेडियम के उन्होंने परिवारों को बुलाया गया, उत्थे बुला के उन्होंने अफसोस प्रकट किया गया, उन्होंने 5-5 लाख रुपया दिता गया। मैं ये समझदा कि 5 लाख रुपये के नाल जिन्होंने घर के सत्थर बिछ गए, जवान नौजवान मौत हो गई, 5 लाख रुपये घाटा पूरा होने वाला नहीं। कैप्टन साहब तुसी 3.5 साल के बीच ये नशा उदों ही वितरिया सी, ये माड़ी शराब उदों ही वितरी सी, पर तुसी उते एक्शन नहीं लिया क्योंकि तुहाडे अपने एम एल ए तुहाडे अपने वजीर उहदे विच हिस्सेदार ने, रमनदीप सिंह सिक्की, जरमनदीप सिंह उन्होंने पीए शरेआम अखबारों के टैलीविजन के परिवारों ने बयान दिते ने, पर तुसी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ना उन्होंने कोई FIR दर्ज की है। पिछले 3.5 साल के दरम्यान इन्होंने जो भी गरीब परिवारों के नाल वादे किए थे, वादियां दे विच शगन स्कीम इन्होंने 51,000 रुपया किया, पेंशन स्कीम है 2,500 रुपया दिता सीगा, होर जिहड़े पत्ते है 2,500 रुपये दिते सीगे, इन्होंने एक भी वो वादा पूरा नहीं किया, चाहे वह सरकार हर घर घर जाके नौकरी देता है, चाहे बच्चों नूं स्मार्ट मोबाइल देता है, कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। उहदे वास्ते अज्ज असीं आटा दाल स्कीम है जिहड़ी उन्होंने देनी तां की सी, लोगों के जिहड़े कार्ड आ कटते, हुण इक इन्होंने नवां काम होर करता, जिहड़े बुढ़ापे दे विच 65 साल तो बाद मसा पेंशन लगती सी उन्हां दी पेंशनां भी बंद करतीआं। यह जी सरकार ऐसी जिंदगी दे विच पहली बार देखी है। सब तो नशा खत्म कर देंगे, पर नशा खत्म तो की करना सीगा, जहरीली शराब जो अज पंजाब दे हरेक कोने च बिक रही है वो कैप्टन साहब की सरपरस्ती च बिक रही है, ते सैकड़े लोगों की जो मौतों के जिम्मेवार है कांग्रेस सरकार है। अज यह धरना इसलिए लाया जा रहा है, इत्थे कोई भी सुरक्षित नहीं, कांग्रेस सरकार ने अपने जो वजीर है जिन्हें भी उन्होंने जिन्हें भी वर्कर है उन्होंने खुली छुट्टी दे रखी है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई इतने कोई कानून नहीं है। असीं यह मंग करते हैं कैप्टन सरकार तो कि अस्तीफा देवे ता कि पंजाब जो लॉ एंड ऑर्डर की कानून की स्थिति बहाल की जा सके। रामपुरा फूल तो ब्यूरो चीफ जसवीर औलख की रिपोर्ट, NC7 News।